हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप लोगों ने इस सीरीज का पहले एपिसोड नहीं देखी है, मैं आपको वीडियो देखने के लिए सजेस्ट करूंगी। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, एक बार जरूर चेक आउट करना। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखा सकते हैं। सो एपिसोड की शुरुआत में हमें जेलिंग पास को दिखाया जाता है। यहाँ पर बीबी डोंग जेलिंग पास के मीटिंग हॉल में बैठी हुई थी और उसी समय पिशसोल मास्टर बीबी डोंग को सूचना देते हुए कहता है, टियांडो आर्मी कई दिनों से मैदान में डेरा डाले हुए है, इसलिए आपको कुछ कार्यवाही करनी होगी। अब अगले सीन में हमें श्रेक डेविल्स को दिखाया जाता है, जिसे टियांडो आर्मी का जनरल सूचना देता है, सप्लाई लाइन को एनिमे टीम से खतरा होने वाला है। अब यह खबर सुनते ही टैंशन उन्हें आश्वासन देते हुए मार्शल जी लांग से कहता है, सप्लाई लाइन का रक्षा करना अब हमारा काम है, अब आप इसकी पीकर छोड़कर लड़ाई के तैयार करें। इसके बाद की सीन में हमें एल्डर युगॉन को दिखाया जाता है। अब वो फूड सप्लाई को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपने ट्रूप्स के साथ आया होता है, लेकिन अब टैंशन को इसके बारे में पता चल जाता है और वो तुरंत अपनी वेस्ट सी पिरामिड को एक्टिवेट करके इनविजिबल होकर उनके पास जाने लगता है। वहाँ जाते ही टैंशन सारे एलाइट सोल मास्टर को किल कर देता है। इसके बाद हमें एल्डर युगॉन की डेंजरस रूप दिखाया जाता है। इस सीन में टैंशन एल्डर युगॉन देखते हुए खुद से कहता है, एल्डर युगॉन पहले से ज्यादा अलग लग रहे हैं, उनके लड़ने की टेक्निक में काफी सुधार हुआ है। ऐसा सोचकर टैंशन एल्डर युगॉन से कहता है, एल्डर युगॉन ऐसा लगता है कि आप अपनी बॉडी को इंडिस्ट्रक्टिव बनाने के लिए काफी मेथड की कल्टीवेशन की है। अब इसका जवाब देते हुए एल्डर युगॉन कहता है, टैंशन बकवास करना बंद करो, तूने मेरी जिगरी दोस्त गोस्ट मास्टर को मारा है, इसलिए भले ही मैं नरक की आखिरी काय में भी क्यों ना हूँ, मैं तुम्हें भी अपने साथ नरक में एक साथ खींच लूंगा। ऐसा कहकर इन दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। दोस्तों, आने वाली वीडियो में हमें टैंशन की नाइन्थ स्पिरिट रिंग देखने को मिलने वाली है। इसके बाद के सीन में हमें सारे श्रेक डेविल्स को दिखाया जाता है और इसी सीन में टैंशन लड़ाई और मैदान को देख रहा होता है। और इस सीन में महुमजिंग टैंशन से कहता है, मैंने सुना है कि तुमने अकेली 6 टीम को ठिकाने लगा दिया है, टैंशन वास्तव में तुम्हारी ताकत बहुत भयानक है। इसके बाद लास्ट सीन में श्रेक डेविल्स वापस टियांडो आर्मी कैंप पहुंच जाते हैं और मार्शल जी लांग को इन्फॉर्म करते हैं, उन्होंने सभी एनिमी टीम को खत्म कर दिया है। यह सुनकर मार्शल जी लांग उन सभी से कहता है, इसका मतलब है कि अगला लड़ाई हमारे लिए बहुत आसान होने वाला है, आप सब हीरो वापस जाए और जाकर आराम कीजिएगा। यहाँ पर हमारा ट्रेलर कंप्लीट हो जाता है। आई होप गाइज आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।